ओके स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वाटरवेज के बारे में समझ लिया था। तो बताओ भारत में कुल कितने नेशनल वाटरवेज को प्रपोज किया गया है और कितने वर्किंग पर हैं? 6 को किया गया है वर्किंग में एक भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि यहाँ ये वाला मैप दिखाई दे रहा है, अगर मैं कहूं यहां से लेकर के यहां तक कौन से नंबर का वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 2, नाम बता सकते हो यहां क्या है, कहां से कहां तक है ये? डुगरी सादिया से डुगरी, और दूसरा ये आता है कौन, गंगा जी से यहां से निकलता है हुगली, है ना, हुगली। तो हल्दिया से लेकर के प्रयागराज, ये कौन सा नेशनल वाटरवे है? ठीक है, तो ये हमने नेशनल वाटरवेज के बारे में पढ़ लिया था। अब चलते हैं, समझते हैं कि कोस्ट के बारे में, इंडियन कोस्ट के बारे में। कोस्ट मतलब समुद्री तट किनारा, ठीक है, कोस्ट। देखो भारत का अगर हम देखते हैं समुद्री तट पूरा का पूरा जो मेन लैंड का है, तो मेन लैंड का ये पूरा एरिया आता है 6100 किलोमीटर का, ठीक है, पूरा लेंथ डिस्टेंस कितने का आता है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार हमारा ही पार्ट है, तो इसका भी हमें समुद्री तट लेना पड़ेगा। तो जब मेन लैंड और आईलैंड को मिला देते हैं तब टोटल जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 75.5 किलोमीटर। तो कहेगा कि भारत का टोटल कोस्टल एरिया कितना है, 75.5 किलोमीटर। क्या ये सिर्फ मेन लैंड का है? नहीं, मेन लैंड और आइलैंड को मिलाकर के मेन लैंड का कोस्टल एरिया कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, आप देखो ये जो कोस्ट है ये टोटल 9 स्टेट से मिलकर बनते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, कितने हो गए, 5, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 4। तो टोटल कितने स्टेट मिलकर के कोस्टल एरिया बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, 9 स्टेट, ठीक है, 9 स्टेट। कहेगा कि इन 9 स्टेट में सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी लगती है, तो गुजरात की। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, गुजरात की, ठीक है, सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री गुजरात, ठीक है, ओके। अब देखो ये टोटल कोस्टल जो बाउंड्री है इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे गुजरात का यहाँ से यहाँ का जो पूरा सेक्शन है इसे कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट, क्या कहते हैं, काठियावाड़ कोस्ट। महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक इसे कहा जाता है कोंकण कोस्ट, क्या कहा जाता है, कोंकण कोस्ट। कर्नाटक से लेकर के केरला तक कहा जाता है मालाबार। लेकिन इसी मालाबार का वो हिस्सा जो कर्नाटका में आता है उसे कहा जाता है करावली, क्या कहते हैं, करावली या कनारा, ठीक है, करावली या कनारा। तो कहेगा करावली या कनारा कोस्ट किस स्टेट से लगा हुआ है, कर्नाटका, कोस्ट मतलब समुद्री तट, समुद्री तट। तो ये समझ में आया। तीसरा नंबर कोस्ट कौन सा है, अभी करावली, ठीक है, और चौथा नंबर मालाबार। केरला कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार, ठीक है। हालांकि पूरा कर्नाटका और केरला को मालाबार के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में जो स्पेशली है उसे करावली के नाम से भी जानते हैं। तो कहेगा करावली किस कोस्ट का पार्ट है, तो मालाबार कोस्ट का। कहेगा कि भारत में सबसे पहले मानसून किस कोस्ट पर आता है, मालाबार
कोस्ट है, ठीक है, मालाबार कोस्ट है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से अब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ हमें जो कोस्ट मिलते हैं वो नदियों के बेसिस पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से एक नदी आती है जिसे कहते हैं कावेरी, क्या कहते हैं, कावेरी, ठीक है, कावेरी, कावेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसे हम कहते हैं कृष्णा, ठीक है, क्या कहते हैं, कृष्णा, ठीक है। तो कावेरी और कृष्णा के बीच का जो एरिया आता है, ठीक है, जो एरिया आता है, जो कोस्ट आता है, उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। कहेगा कि कोरोमंडल कोस्ट किन दो नदियों के बीच का एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट किन दो नदियों के बीच का एरिया कहलाता है, कृष्णा और कावेरी, कावेरी या कृष्णा, ठीक है, कावेरी या कृष्णा, कावेरी या कृष्णा। उसके बाद ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमें कृष्णा के बाद यहाँ से दो नदियां ऊपर की साइड दिखती मिल जाएंगी, जैसे एक महाराष्ट्र के यहाँ से निकलती है ये नदी और यहाँ पर आ जाती है, इसे हम कहते हैं गोदावरी, क्या कहते हैं, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी। और यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं महानदी, महानदी, और ये यहाँ से आती है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो कृष्णा और कावेरी के बीच में है कोरोमंडल, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, कृष्णा गोदावरी में, ये गोदावरी और नहीं, कृष्णा कावेरी तो हो गया, गोदावरी और महानदी, ठीक है, गोदावरी और महानदी, ठीक है, गोदावरी और महानदी के बीच का जो कोस्ट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, इतना क्लियर है, उत्तरी सरकार, ठीक है। और वही महानदी और हुगली के बीच का जो एरिया है, ठीक है, महानदी और हुगली के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं उत्कल, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, उत्कल, ठीक है, उत्कल। तो अगर हम देखें तो टोटल ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, टोटल जो इंडियन कोस्ट है वो कितने भाग में डिवाइडेड है, तो 7 पार्ट में, 7 पार्ट में। गुजरात के तट को क्या कहते हैं, काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा कोंकण, उसके बाद केरला, कर्नाटका करावली, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उत्कल, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल नहीं, मैं रिवर थोड़ी पूछ रहा हूं यार, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कहते हैं उत्तरी सरकार, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उसे, जो कोस्ट है उसे कहते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है। हाँ तो फिर से हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे, बताओ एक नंबर कोस्ट काठियावाड़, दो नंबर कोंकण, तीन नंबर करावली, चार नंबर मालाबार, पांच नंबर कोरोमंडल, छह नंबर उत्तरी सरकार, सात नंबर उत्कल, ठीक है। भारत का सबसे लंबा कोस्टल तट गुजरात, ठीक है, सबसे लंबा गुजरात। भारत में किस कोस्ट पर सबसे पहले मानसून आता है, मालाबार, मालाबार, ठीक है। अब देखो जैसे ये कोरोमंडल है ना, कोरोमंडल कोस्ट, एग्जाम में देगा कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, वेयर इज द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड, और इसमें ऑप्शन में देगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड, जापान या फिलीपीन। फिलीपीन तो बताओ कोरोमंडल कोस्ट इन देशों में से किसमें आएगा? हाँ, जब हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे, न्यूजीलैंड जब पढ़ा था तो मैंने बताया था न्यूजीलैंड का जो कोस्ट है न्यूजीलैंड में, उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। हाँ, तो एक कोरोमंडल कोस्ट तो अपना यहाँ भारत में है और एक न्यूजीलैंड में, तो उसको याद रखना। ये वाला ज्यादा पूछता क्योंकि हमें इंडिया वाला तो याद रहता है लेकिन न्यूजीलैंड वाला हम भूल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार, मालाबार कोस्ट के नाम से ही एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो कहेगा कि मालाबार नेवल जो एक्सरसाइज होती है वो किसके किसके बीच में होती है? तो पहला होता है इंडिया, दूसरा होता है जापान और दूसरा होता है यूएसए। ठीक है, तो आईजेयू, ठीक है, इंडिया जापान और यूएसए, इंडिया जापान और यूएसए। ये कोर्स समझ में आ गया। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तुम्हें केमिस्ट्री में वापस से पढ़ने को मिलेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ज्योग्राफी का पार्ट है तो हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर। अब देखो बेसिकली पहले मैं समझा देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किस लिए होता है। यूज तो इसका यूज होता है पानी गर्म करने के लिए। हाँ, पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए। अच्छा, हम पानी जब गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है? वेपर। ठीक है, वेपर या इसे हम लोग कहेंगे स्टीम। स्टीम, और हमको पता है कि स्टीम में इतनी ताकत होती है कि जब पहली बार स्टीम रेल इंजन बना था तो उस रेल इंजन को भी क्या कर दिया था? घुमा दिया था, है ना, मतलब इंजन को उसने खींच लिया था स्टीम ने, है कि नहीं, उसके पिस्टन को चला दिया था, है ना, तो वो भाप से ही चलता था ना इंजन। हाँ, तो ऐसे ही जब न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए हम लोग पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, तो स्टीम क्या करता है? टरबाइन पर जाता है, टरबाइन, टरबाइन, और उस टरबाइन को घुमाता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो पंखी रहेगी, ऐसे पंखी रहेगी। हाँ, ठीक है, तो इस पर गिरेगी टरबाइन, पानी गिरेगा वो भाप वाला प्रेशर से, तो ये पंखी नाचेगी, और जब पंखी मूव करेगी तो पंखी के इधर कनेक्टेड रहेगा एक कोर, जो कोर इसके बीच में रहेगा मैग्नेट के कोर में, मतलब मैग्नेट के बीच में रहता है नॉर्थ और साउथ, और जब मैग्नेट के बीच में ये कोर घूमता है तो यहाँ से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। समझा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अगर हम कहें कि न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यूज होता है वो मोस्टली किस लिए होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। समझा? हाँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें घुमाना पड़ता है किसको? टरबाइन को। ठीक है, टरबाइन को। टरबाइन कैसे घूमेगा? भाप से। भाप कैसे बनेगा? पानी के गर्म करने पर। और पानी गर्म कैसे होगा? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए। अब न्यूक्लियर रिएक्टर एक चूल्हा है। क्या है? चूल्हा। ठीक है, चूल्हा, चूल्हा समझती है? चूल्हा गांव में तो चूल्हा होता है, ऐसे हाँ स्टोव कह सकते हो, स्टोव, स्टोव नहीं, स्टोव होता है, या नॉर्मली हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं अपना गैस, ये गैस यूज करते हैं ना। हाँ, तो
उसी को गांव में हम लोग क्या कहते हैं, चूल्हा कहते हैं। सब लोग तरीके से मिट्टी का बना रहता है चूल्हा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर तरीके का चूल्हा है। अब चूल्हे में हमें ईंधन लगाना पड़ता है कि नहीं, अगर चूल्हे पर खाना बनाना है तो ईंधन लगाना पड़ेगा, लकड़ी जलाना पड़ेगा कुछ न कुछ, जिससे खाना पक सके। तो इस चूल्हे में हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम, और ये यूरेनियम क्या होता है, भड़कता है, जलता है। जब जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, जैसे लकड़ी जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट से क्या गर्म होता है, पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होकर वेपर बनता है। वेपर को कहाँ डाला जाता है, टरबाइन पर, टरबाइन घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर समझ में आया? ओके, अब इसको फिर से एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम किस तरीके से जलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग कागज है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे एक कागज दिखाई दे रहा है, इस कागज को जलाएंगे तो कितनी देर तक चलेगा, थोड़े देर में जल के राख हो जाएगा। और इससे हमें जितनी भी एनर्जी मिलेगी, अगर एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी ये जो है गर्म नहीं कर पाएगा आसानी से। वहीं अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी एकदम वो एक गिलास पानी को गर्म करके जो कि वेपर बना के उड़ा भी देगा इतना लकड़ी। और इस लकड़ी की जगह अगर हम कोयला जलाते हैं तो ये कोयला तो और मारेगा, पानी बचने ही नहीं देगा, वो पूरा वेपर बना के उड़ा देगा, है ना। तो वैसे ही होता है यूरेनियम। अगर इस यूरेनियम का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये जो हाथ में लिया हुआ है, ये इतने टुकड़े को अगर हम जलाएंगे ना तो बताओ कितनी देर तक जलेगा पता है, जितनी देर तक तुम्हारा नेचुरल गैस 17,000 क्यूबिक फीट से भरा हुआ कोई टंकी हो तो जितनी देर तक वो चलेगा। जैसे हमारे घर में होता है नेचुरल गैस CNG होता है तो 1-2 महीने चल जाता है ना, तो सोचो वैसे ही 17,000 क्यूबिक फीट का कोई टंकी हो और उसमें नेचुरल गैस भरा हो वो कितने टाइम तक चलेगा। या 120 गैलन ऑयल अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है, जलाना है, तो कितने देर तक जलेगा। या 1 टन कोयला अगर तुम जलाओगे वो कितने दिन में जल के खत्म होगा और कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो सारा का सारा सिर्फ ये एक छोटे से यूरेनियम के टुकड़े से हमें मिल जाएगा एनर्जी। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो देखो जब अगर हम लोग कोयला जलाएंगे तो काला काला धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। गैलन से अगर तेल जलाएंगे तो भी तेल काला काला धुआं छोड़ेगा, और नेचुरल गैस जलाते हैं तो नेचुरल गैस से बहुत कम धुआं निकलता है लेकिन थोड़े अमाउंट में CO2 निकलता है। लेकिन वहीं अगर हम इस यूरेनियम को जलाएंगे, भड़काएंगे, यूरेनियम से हमें कोई भी CO2 का इमिशन नहीं होता है। हाँ, यूरेनियम से जो निकलता है वो होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना खतरनाक होता है कि अगर वो किसी के संपर्क में आ गया, जैसे तुम्हारे बॉडी के टच में आ गया, तो तुम्हारे अंदर घुस करके तुम्हारे बॉडी का DNA चेंज कर देगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस करके तुम्हारा वो सेल्स को मार देगा। जैसे पता चला अंदर जो तुम्हारे बॉडी में जो आंख को बनाता है उसी सेल को मार दिया, या जो कान को बनाता है उसी सेल को खत्म कर दिया, या जो पैर को बनाता है उसी सेल को खत्म कर दिया। फिर फ्यूचर में जब तुम्हारी जनरेशन आएगी, तुम्हारा बच्चा होगा, तो उसके अंदर हो सकता है कान न हो सकता है आंख न हो सकता है पैर ही ना हो, या हो सकता है तुम बच्चा करने के लिए जिंदा ही ना रहो। तो इतना खतरनाक होता है ये यूरेनियम। इसीलिए तो इसको यूज करने के लिए सेफ्टी होता है ना। अब कैसे गांव में चूल्हा होता है तो चूल्हा को हम लोग खुले खुले यूज कर लेते हैं, तो इसको समझते हैं ये यूज करने के लिए इसका जो चूल्हा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, वो किस तरीके का होता है उसके बारे में अब समझते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एक चूल्हा है, उसमें हम लोग फ्यूल क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या इसे हम नॉर्मली हाथ से छू सकते हैं? नहीं, ठीक है, इसके लिए बहुत प्रिकॉशन की जरूरत होती है, ठीक है। यूरेनियम हमें एकदम जो है स्वच्छ एनर्जी यानी एकदम प्योर एनर्जी देता है, इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। लेकिन ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इसलिए खतरनाक होता है, इसको हैंडल करने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतना पागल, हाथ में लेंगे तो हाथ वाथ छेद छाद देगा ये, इसके
इसके जो रेडिएशन निकलेंगे ना, रेडिएशन वो बॉडी पर इतना इम्पैक्ट डालेंगे कि वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे 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 अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, हाथ में लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, हाथ में लेने को पकड़ लो, लेकिन इसके अंदर से जो मटेरियल निकलेगा ना वो तुम्हें खत्म कर देगा वो। अरे वो हमेशा निकलते रहता है। नहीं नहीं ये मटेरियल ही ऐसा है कि इसके अंदर से रेडियो मतलब रेडिएशन निकलता है। जैसे कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है पहले समझा देते हैं। हम लोग रोटी बनाते हैं, तावा गर्म होता है, तावा के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें हीट महसूस होता है। तो हीट क्या रहता है पता है, उस तावा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन उछल उछल के बाहर आ रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन हीट के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या है, रेडिएशन है, समझा। तो तावा अगर हम पकड़ेंगे तो तावा तो पहले गर्म है, वो हमारे हाथ को जलाएगा जलाएगा, लेकिन अगर हम तावा को नहीं पकड़ते हैं उसके ऊपर भी हाथ करके रखते हैं तो भी हमारे हाथ जलता है कि नहीं जलता है, जलता है। तो ऐसे ही ये होता है यूरेनियम, यूरेनियम हमें गर्म तो नहीं लगेगा, जलाएगा ऐसे नहीं, लेकिन इसके अंदर के जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ना वो हमारी बॉडी को डैमेज कर देंगे। समझ गया इतना, आप समझते हैं इसको, इसका जो चूल्हा है, ये चूल्हे को बनाने का कैसा प्रोसेस होता है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये कभी कभी होता है ना जब ये भड़कना चालू करता है, मतलब जब इसमें आग लगती है, आग लगने का मतलब इसके अंदर से न्यूट्रॉन जब हम लोग देखो, एक तो जैसे लकड़ी है, लकड़ी में तुम ऐसे नॉर्मली रख दो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जानबूझ के आग लगा दो तो लकड़ी में पूरी तरीके से आग लग जाएगा, है ना। तो वैसे ही यूरेनियम है, यूरेनियम को रहने दो, वो कम जो कि रिएक्टिव रहेगा, लेकिन तुम उसको सोचो कि छेड़खानी करो, उसमें थोड़ा सा और इनरिच करो, उसके फॉर्म को और चेंज करो, वो ज्यादा तेजी से क्या हो जाएगा, भड़कना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब भड़कना चालू होता है तो इसके अंदर से निकलते हैं न्यूट्रॉन्स, क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन। देखो कोई भी मटेरियल जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यूरेनियम के अंदर से सबसे अधिक अमाउंट में निकलता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। इसी न्यूट्रॉन को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक न्यूट्रॉन जाता है यूरेनियम के दूसरे मॉलिक्यूल्स में टकरा जाएगा, और जब दूसरे मॉलिक्यूल्स में टकराएगा तो उसमें से भी उसको तोड़ काट के उसमें से भी न्यूट्रॉन निकालेगा। वो न्यूट्रॉन जैसे कि ये यूरेनियम इतना बड़ा है, इसके अंदर लाखों करोड़ों में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर टूटा उसका न्यूट्रॉन निकला गया, इससे टकराया, इसका न्यूट्रॉन निकला इसको टकराया, इसका न्यूट्रॉन इसके, इसका न्यूट्रॉन इससे, इसका न्यूट्रॉन, एक चैन रिएक्शन बन जाता है, और चैन रिएक्शन होते धड़े ब्लास्ट कर जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब क्या हो कि भाई ये न्यूट्रॉन जो है ये कम कम निकले और कम कम रिएक्शन करे, इसके लिए हमें कुछ लगाना पड़ेगा ऐसा चीज जो इस न्यूट्रॉन को खा जाए, है कि नहीं, है ना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसे चीजों, ऐसे सिचुएशन में यूज होता है रॉड, कैडमियम और बोरॉन का रॉड। ये कैडमियम और बोरॉन का रॉड क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। अभी वो समझाता हूँ, पहले यहाँ देखो, पहले ये यूरेनियम समझ में आ गया और न्यूक्लियर रिएक्टर समझ में आ गया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, चूल्हा है, उसमें क्या भरा जाता है, यूरेनियम। उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, वेपर बनता है, और उसे पंखी पर गिराते हैं, टरबाइन पर, और उससे बिजली प्रोड्यूस होता है। इतना सिंपल फंडा क्लियर है, आप देखो यहां समझो। देखो ये है, ये जो दिखाई दे रहा है, हाँ ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर, ठीक है। अभी पहले समझो, अंदर घुसा रहा हूं तुमको, न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में अंदर भरा जाता है, ये छोटे छोटे बंडल दिखाई दे रहे हैं, हाँ देखो ये छोटे छोटे बंडल रॉड हैं, जिसे हम लोग बोरॉन या जो है कैडमियम, ठीक है, बोरॉन या कैडमियम का रॉड इसमें भरा जाता है। अब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा बोरॉन क्या होता है, कैडमियम क्या होता है। यहाँ पर समझने के लिए समझो कि बोरॉन और कैडमियम के रॉड होते हैं, और इसके अंदर नीचे की साइड भरा होता है क्या, देखो जैसे मान लो ये चूल्हा है, चूल्हा में यहां मैंने रख दिया क्या, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम से निकल रहा है क्या, न्यूट्रॉन्स।
तो मैं ऐसे ढक्कन लगाऊंगा और ढक्कन पे कई सारे क्या डाल दूंगा, कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम या तो बोरॉन का रॉड, ठीक है, कैडमियम को सी डी, बोरॉन को बी, या तो इसका रॉड या तो इसका रॉड घुसेड़ दूंगा। तो जब इसमें से निकलेगा क्या, न्यूट्रॉन, रेडियन नहीं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर जाएगा, अगर मुझे ये करना है कि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, रॉड को निकाल दूंगा, रॉड को खींच के ऊपर निकाल दूंगा। तो जब रॉड को खींच के ऊपर निकालूंगा तो और न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से, और अधिक न्यूट्रॉन अधिक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और रिएक्शन और तेजी से होगा और हीट जनरेट होगा, है ना। हाँ, और अगर रिएक्शन को हमें स्लो करना है तो मैं बोरॉन रॉड को अंदर घुसर दूंगा और अंदर चले जाए और अंदर, ताकि जितना अधिक अंदर जाएगा उतना अधिक एरिया में क्या कैप्चर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और जब न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाएंगे तो हीट कम जनरेट होगा, हीट कम होगा तो पानी कम गर्म होगा और इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब देखो, तो ये दो कंसेप्ट समझ में आ गया, एक तो नीचे क्या है यूरेनियम, ऊपर भरा हुआ है कैडमियम का रॉड। अब जब जब यहां से कभी कभी हो जाता है कि भैया जो है ना, ये कैडमियम की रॉड की जगह ये पूरा का पूरा चैम्बर होता है, चैम्बर को बंद कर दिया जाता है और बंद करके इसे पानी में डाल दिया जाता है। ये पानी को कहते हैं D2O, ये नॉर्मल वाटर नहीं रहता है, ये हैवी वाटर रहता है, ठीक है, हैवी वाटर D2O, और इसे पानी में डाल देंगे ताकि ये जब हीट हो इसको ठंडा करते रहे, ठंडा करते रहे, ठंडा करते रहे, ये हीट होके ब्लास्ट ना हो जाए, समझा। हाँ, तो ठंडा करते रहता है। अब अंदर प्रोसेस चालू हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस चालू हो रहा है, रॉड इसी में क्या लगे होते हैं, जैसे कि जब ये हीट जनरेट होता है ना, इसी में पतले पतले रॉड लगे रहते हैं जिसमें से पानी जाते रहता है, और एक पतला रॉड रहता है तो गर्म होने की वजह से इस रॉड का पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर क्या बनाएगा, भाप, और भाप बनाएगा तो बाहर पाइप लगे होते हैं, उस भाप को बाहर पाइप के जरिए निकाला जाता है और निकल करके टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन नाचती है और क्या प्रोड्यूस होती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो, अब इतना सारा कुछ हो गया, अब भी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ इसमें से रेडिएशन निकल ना जाए, इसके लिए इस पूरे चैम्बर को ऊपर से कंक्रीट की मोटी दीवार से ढक दिया जाता है, दिखाई दे रहा है, ये डोम स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कहीं पर भी सांस लेने भर की जगह नहीं रहती है इसमें, समझा। तो एक बाहर से पूरा आउटर लेयर कवर कर दिया जाता है। बाद में यहाँ इसके अंदर से जो पानी निकलता है, जो हीट निकलता है, वो मतलब वेपर, वो कुछ वेपर कहाँ जाता है, जो टरबाइन पर, और कुछ वेपर जो बच जाता है उसे इस कूलेंट में डाल दिया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, कूलेंट है, कूल करता है, कूलेंट, कूलेंट। अब बताओ, जब कूलेंट रहेगा तो मतलब कि जो वेपर है जो टरबाइन पर गिरा, और टरबाइन पर गिरने के बाद कहीं तो जाएगा ना वेपर, ऐसा थोड़ा नहीं टरबाइन एब्जॉर्ब कर जाएगा। हाँ, तो जो बचा हुआ वेपर रहेगा वो कूलेंट पे जाएगा, कूलेंट से टकराएगा और ठंडा होगा, पानी बनेगा, और पानी वापस से रिवर्सल होकर पाइप में जाएगा, और पाइप में फिर से वो गर्म होकर फिर से बाहर आएगा। लेकिन कुछ अमाउंट में पानी क्या होता है, ठंडा हो, मतलब होकर के पानी बन जाता है, और कुछ अमाउंट में बाहर ऐसे ऐसे निकलने लगता है, ठीक है। तो जब हीट वो नहीं, वो वेपर, वेपर, और जब बाहर निकलता है तो वही हमें व्हाइट व्हाइट दिखता है, क्योंकि ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या धुआं है, नहीं, ये वाटर वेपर है। जैसे हम लोग ये बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाते टाइम जब सीटी लगता है तो उधर से क्या निकलता है, व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, वेपर। हाँ, तो सेम ऐसे ही जब न्यूक्लियर रिएक्टर में से टरबाइन पर गिरा हुआ वेपर बच जाता है, बच करके कुछ इस कूलेंट से टकराता है, पानी बन के वापस से चला जाता है पाइप के अंदर गर्म होने के लिए, और कुछ जो ऊपर की साइड निकल जाता है वो धुएं या वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो क्या आसमान में हमें कार्बन डाइऑक्साइड जाते हुए दिखाई दे रही है, नहीं, हमें क्या दिखाई दे रही है, पानी। तो पानी जा रहा है तो जाने दो, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ में आ गया इतना। अब यही जो घटना थी ऐसे ही चेर्नोबिल में क्या हुआ था, चेर्नोबिल में ये पूरा का पूरा ये जो कंक्रीट का प्लांट था ना, प्लांट ये पूरा ब्लास्ट कर गया था, और ब्लास्ट होने की वजह से पूरे शहर में, मतलब जो आसपास का ये दिखाई दे रहा, ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट होने की वजह से वहां रेडिएशन पूरा बाहर निकल गया, इसको बुझाने के लिए गए थे चेर्नोबिल कहां, यूक्रेन में, है ना।
यहाँ बुझाने के लिए जो वो गए थे फायर वाले गए थे, क्या कहते हैं फायर, फायर ब्रिगेड, ठीक है, फायर ब्रिगेड जो गया था, वहां के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, वो लोग बुझा रहे हैं और रेडिएशन उनको लग गया, जिसकी वजह से जितने भी आदमी थे वो कुछ दिन और कुछ महीने बाद उनकी मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कई दिनों तक यहाँ पर धधकता रहा, आग जलता रहा, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इसको बुझाया जाए। अब जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसमें पानी भी होता है, अब वो रेडिएशन अगर इस पानी में मिल जाता तब तो अगर ये पानी वाला ब्लास्ट कर, पानी निकल कर आता जहां जहां फैलता हर जगह क्या हो जाता, पूरा रेडियो एक्टिव फैल जाता, इसलिए इस पानी को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो करना था, मतलब कि समेटना था। तो कुछ दो तीन लोग यूक्रेन के पूरे फुल इक्विप्ड होकर के आए और उन लोगों ने अंदर आकर के ड्रिल कर दिया, और ड्रिल जब किया तो सारा का सारा जो डीपीओ था रेडियो एक्टिव वो अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि ये जो तीनों लोग हैं वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि कितना भी इक्विप कर लो रेडिएशन इतना हाई लेवल का होता है जो तुम्हें इन्फेक्ट कर ही देता है। लेकिन वो लोग मरे नहीं, वो लोग जिंदा बचे, कई सालों तक जिंदा रहे, और बाद में धीरे धीरे उनकी नेचुरल मौत हो जाती है, ठीक है। यूक्रेन की घटना बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो जब ये सारा का सारा चीज हुआ, इस शहर के लोगों को वहां से हटा दिया गया, कह दिया गया कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, वो शहर पूरा अबंडन छोड़ दिया गया, उसे भूतिया शहर कहा जाने लगा, ठीक है। तो इसको ना पूरा अब क्या कर, ऊपर से पहले ढक दिया गया था, बहुत मतलब खर्चा, लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो दवाइयां छिड़की जा रही थी वो क्या कहते हैं कि एक पाउडर आता है पोटेशियम आयोडाइड PI, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जहां पर यूरेनियम ब्लास्ट हो गया हो और रेडिएशन फैल गया हो तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेना चाहिए, जिससे पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, हमारे गले के नीचे रेडिएशन को जाने नहीं देता, तो हम उससे बच जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, ऊपर से बोरॉन छिड़का जा रहा था, क्योंकि बोरॉन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो हेलीकॉप्टर बोरॉन को छिड़क रहा था ना, हवाओं में रेडिएशन फैल गया था, हवाओं में फैलने की वजह से हेलीकॉप्टर रेडिएट हो गया, तो हेलीकॉप्टर चलाने वाला आदमी मर गया, हेलीकॉप्टर वहीं पर वहीं गिर गया, पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर खराब हो गया। उसको उसको देखने आया दूसरे हेलीकॉप्टर वाला, आया उसको भी रेडिएशन पकड़ लिया, वो भी मर गया, समझा रहा क्या। तो इतना खतरनाक था, इसको किसी तरीके से कर करके ये रसिया उस वक्त USSR का, मतलब USSR ही था रसिया, और तब की बात है 1986 की बात है, तो किसी तरीके से रसिया की बहुत सारी जो जान माल की नुकसान हुआ, उसके बाद रसिया का इकोनॉमी भी बहुत पूरी तरीके से ढहा, इसको बंद करने में रसिया को बहुत बिलियंस और ट्रिलियंस खर्चा करने पड़े। एक बार बंद हो गया, उसके बाद फिर से पता चला किसने से लीकेज चालू हुआ था, तो पूरे शहर को ऊपर से ही एक डोम बना करके फिर से इसको क्या किया गया, बंद किया गया, समझा रहा क्या। एक बार तो पैक हो गया था, एक बार पैक हो गया था, दोबारा इसमें से लीकेज चालू हुआ था, तो दोबारा ये लोग पूरा मेटल का सीधा सीधा क्या किए, घर हो किए और पूरा मशीनरी के जरिए इसको वापस ऐसे पैक कर दिए। इसको पैक करने में उन्हें 8 से 10 साल गए थे, समझा, दिखाई दे रहा है क्या। वो ऊपर से जैसे समझ लो तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के ऊपर एक और घर कोई लाके ढक दिया जाए, ठीक है। उसके बाद नेचर ने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर कभी कभी जो साइंटिस्ट रहते हैं वो लोग आते हैं, या यहाँ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, बाकी इस एरिया को छोड़ करके सभी लोग चले गए यहाँ से, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पूरा जंगल वापस से उग गया है, बहुत सारे जानवर आते हैं और जानवरों के ऊपर ज्यादा रेडिएशन वो इफेक्ट नहीं करता है। तो कहेगा कि चेर्नोबिल जो यूक्रेन घटना थी वो कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1986 में, 1986 में चेर्नोबिल कहाँ, तो यूक्रेन में क्या हुआ था, तो उसका पावर जो प्लांट था वो भड़क गया था, ब्लास्ट हो गया था, समझ में आया। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है। जैसे मैं समझा देता हूँ, कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब ये यूरेनियम भड़कता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहलाता है, फ्यूजन। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सूरज के अंदर होता है, तो सूरज के अंदर एक हाइड्रोजन
दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाकर के मिल जाता है और हीलियम बनाता है, तो इससे भी एनर्जी रिलीज होती है और उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज हो गया, यानी दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अगर यही हीलियम है, हीलियम दो भागों में टूट जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो यूरेनियम के अंदर जो होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कहेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल किसका, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है? यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। यूरेनियम कहेगा कि अच्छा, उसमें जो रिएक्शन होगा यूरेनियम को भड़काने के लिए किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम की जरूरत पड़ती है। जर्कोनियम किसकी? जर्कोनियम। ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम की जरूरत पड़ती है। जर्कोनियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर कहेगा रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? तो दो रॉड याद रखना, कैडमियम का या तो बोरॉन का, कैडमियम का या तो बोरॉन का। ठीक है, ओके। कहेगा कि मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? मॉडरेटर यानी रिएक्शन को स्लो डाउन कर देना अचानक से। ठीक है, हाँ, मॉडरेटर के रूप में यूज होता है D2O, इसे हैवी वाटर कहते हैं, या ग्रेफाइट। ठीक है, D2O या ग्रेफाइट। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, D2O किसे कहते हैं? हैवी वाटर को, है ना, हैवी वाटर। और अगर किसी पूल में बहुत सारा पानी भर जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूल में पानी भरा हो तो उसे क्या कहेंगे? स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग पूल, है ना, स्विमिंग पूल। तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर मॉडरेटर के रूप में D2O का इस्तेमाल यानी हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल रिएक्टर। और ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं पाइल रिएक्टर। क्या कहते हैं? पाइल रिएक्टर। पाइल रिएक्टर, ठीक है, ओके, पाइल रिएक्टर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, वो पानी है उसको अलग से ट्रीट करके बनाया जाता है, नहीं नहीं हार्मफुल नहीं होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें ये चला गया, यूरेनियम चला गया, मिक्स हो गया उसका रेडिएशन, तो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, D2O हार्मफुल नहीं होता है, बस उसमें तो कुछ प्रोसेस कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ एलिमेंट को निकाल दिया जाएगा पानी में से, कुछ चीजों को, मिनरल्स को हटा दिया जाएगा, और वो थोड़ा उसको भारी कर दिया जाता है ताकि वो यूरेनियम को जो रहे ना उसको ठंडा करके रख सके थोड़ा सा, जो हीट हो जनरेट हो। ठीक है, ओके। तीसरा, छठवां चीज और क्या पूछता है, कहता है कि अच्छा बताओ, जब यूरेनियम बहुत भड़कने लगता है तो उसे ठंडा करने के लिए किस एलिमेंट का यूज होता है? तो लिक्विड सोडियम का यूज होता है एज अ कूलेंट। कूलेंट ठंडा करने के लिए लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम। ठीक है, लिक्विड सोडियम कहेगा कि पूरा प्रोसेस को अच्छे तरीके से ढक दिया जाता है कंक्रीट वॉल, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है किससे? कंक्रीट वॉल से प्रोटेक्शन दिया जाता है, कंक्रीट वॉल से। ठीक है, कंक्रीट वॉल, कंक्रीट वॉल दिखाई दिया ना, ये वाला, ये डोम स्ट्रक्चर से इसे पूरा ढक दिया जाता है ताकि अगर कभी अंदर कुछ लीकेज हो तो बाहर ना आ पाए। लेकिन कभी कभी इतना हो जाता है कि ये ब्लास्ट कर जाता है, समझा? ओके, इतना क्लियर हो गया ना। देखो, अब पूछता है कि जैसे भारत में कौन कौन से जगह पर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ठीक है, ओके, तो देखो, भारत में जब पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर रिसर्च चल रहा था, जब ये अगर रॉकेट बॉयज देखा रहेगा तो उसमें दिखाते हैं कि
कि भाभा ने जब बताया कि भाई ये जो छोटा सा एलिमेंट है यूरेनियम है वो किस तरीके से भारत की एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सकता है, तो उन लोगों ने एक क्या बनाया था न्यूक्लियर रिएक्टर को उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि हाँ ये किस तरीके से स्टेबल रहेगा, इसमें खतरा नहीं है, बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ, तो जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था रिसर्च पर्पज से बना था वो था अप्सरा। ठीक है, अप्सरा, अप्सरा ने, अप्सरा। ठीक है, तो भारत का कहेगा पहला रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। ठीक है, रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। ठीक है, अप्सरा बीएआरसी में बना था अप्सरा। ठीक है, ओके। लेकिन अब यहां से शुरू होगा, पूछेगा कि बताओ भारत में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होता है ये तो समझ में आ गया, तो अब सीधा हम देखेंगे कि भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि भारत में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके क्या जनरेट होता है बिजली। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहां से। एक यूपी में बुलंदशहर में है नरोरा, 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 नरोरा कहाँ है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? यूपी में बुलंदशहर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा हमें देखने को मिलेगा कोटा में, कोटा में है रावत भाटा, रावत भाटा, कोटा में रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा का दूसरा नाम है राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप। ठीक है, गुजरात के हमें, गुजरात में हमें देखने को मिलेगा काकरपाड़ा, काकरपाड़ा, काकरपाड़ा। ठीक है, काकरपाड़ा, काकरपाड़ा, काकरपाड़ा। मुंबई में हमें देखने को मिलेगा तारापुर, 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 तारापुर। ठीक है, तारापुर। उसके बाद कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा कैगा, कैगा, कर्नाटका में कैगा, कैगा, कैगा। तमिलनाडु में यहाँ देखने को मिलेगा हमें कुंदनकुलम, कुदनकुलम। ठीक है, कुदनकुलम, कुदनकुलम, कुदनकुलम। और चेन्नई में हमें देखने को मिलेगा कालपक्कम, 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 कालपक्कम का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बताओ सातों, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट का जगह और नाम याद रहेगा? यूपी में और नरोरा, नरोरा, नरोरा। ठीक है, नरोरा, यूपी में नरोरा, यूपी में नरोरा। राजस्थान में, राजस्थान के कोटा में रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा। गुजरात में, गुजरात में काकरपाड़ा, गुजरात में काकरपाड़ा। महाराष्ट्र में तारापुर। कर्नाटका कैगा। तमिलनाडु में कुदनकुलम, कुदनकुलम, कुदनकुलम। चेन्नई कालपक्कम, कालपक्कम, बोल कालपक्कम, कालपक्कम। रावत भाटा का दूसरा नाम राणा प्रताप, कालपक्कम का दूसरा नाम इंदिरा गांधी। कहेगा कि भारत का पहला पावर प्लांट तारापुर किसकी हेल्प से लगा था? यूएसए की हेल्प से। ठीक है, यूएसए की हेल्प से। ठीक है, यूएसए की हेल्प से। कब लगाया गया था? बहत्तर में। ठीक है, बहत्तर में, बहत्तर में, बहत्तर में।
वो कहेगा कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट पावर प्लांट तारापुर, भारत का सबसे ओल्डेस्ट तारापुर, भारत का सबसे ओल्डेस्ट तारापुर। कहेगा कि भारत का सबसे मॉडर्न यानी आधुनिक पावर प्लांट तो कुंदनकुलम, कुंदनकुलम मॉडर्न है, सबसे लास्ट में बनाता है मॉडर्न, ठीक है मॉडर्न, कुंदनकुलम सबसे मॉडर्न है, कुंदनकुलम सबसे मॉडर्न है, ठीक है। जैसे BARC में ट्रॉम्बे में हमारे पास भारत का पहला रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा। वैसे ही कालपक्कम में एक रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी, ठीक है, क्या नाम है कामिनी, ठीक है कामिनी, ठीक है कामिनी। तो कालपक्कम में कौन सा न्यूक्लियर रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर है, कामिनी, ठीक है कामिनी। ये सारे के सारे सातों न्यूक्लियर रिएक्टर याद रहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसके अंदर का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस ताने से पहले दो चीज और बता देता हूँ कि फ्यूचर के लिए भी कुछ पावर प्लांट को ये बनाने की बात कही गई है, जो कि एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और दूसरा महाराष्ट्र के जैतापुर में। हालांकि ये सारी चीजें मैंने PDF में इंक्लूड कर दी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो एक गोरखपुर में और दूसरा जैतापुर में, ठीक है। गोरखपुर कहाँ, गोरखपुर UP, हाँ, और जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये दो जगह बनने वाले हैं, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।